आज महाशिवरात्रि है। सुबह से ही बाबा भोलेनाथ के मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग हर हर महादेव की जयकारे लगा रहे हैं। यह महाशिवरात्रि इसीलिए भी बहुत विशेष है क्योंकि शिव की दोनों तिथियां त्रयोदशी और चतुर्दशी आज ही आ रही हैं। यानी महाशिवरात्रि के मौके पर देवघर की बात करें तो देवघर में बैद्यनाथ मंदिर में भक्तों की भी भीड़ उमड़ रही है। यहां पर सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। उम्मीद है कि आज यहां पर 1,00,000 से ज्यादा श्रद्धालु जलाभिषेक करेंगे। शिवरात्रि के मौके पर देवघर में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहां पहुंची भीड़ को नियंत्रित करने और भक्तों को सुरक्षा के लिए भारी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों से लगातार भीड़ पर नजर रखी जा रही है। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने शिवरात्रि की रणनीति में थोड़ा बदलाव भी किया है। श्रावणी मेले की तर्ज पर ही जलाभिषेक की व्यवस्था की गई है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में सुबह से भक्तों की भारी भीड़ उमड़ने लगी। महाशिवरात्रि के मौके पर मंदिर के आसपास खास सजावट की गई है। उज्जैन का महाकाल मंदिर द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहां शिवरात्रि के मौके पर विशेष पूजा अर्चना होती है। हरिद्वार में भी शिवरात्रि के मौके पर भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। वहीं हर की पौड़ी और साथ ही भक्तों ने यहां पर गंगा स्नान भी किया है हर की पौड़ी में और फिर मंदिर में बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए। महाशिवरात्रि के मौके पर रांची के पहाड़ी मंदिर में हजारों की संख्या में शिव भक्त भगवान भोले शंकर के जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस मौके पर मंदिर प्रांगण में मुख्य मंदिर से लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था की गई है। वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। पटना के खजपुरा मंदिर में भी शिवरात्रि के मौके पर भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। सुबह से ही भक्त मंदिर में पहुंच रहे हैं। भक्तों की सुविधा के लिए मंदिर में विशेष इंतजाम किए गए हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर धार्मिक नगरी बक्सर में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। शहर के रामेश्वर नाथ और नाथ बाबा मंदिर समेत विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। आज सुबह 3 बजे से ही श्रद्धालु गंगा घाटों पर पहुंचने लगे और गंगा स्नान के बाद मंदिरों में भगवान शंकर और पार्वती की पूजा अर्चना की। आज माता पार्वती ने जितने शिव जी को पाने के लिए आराधना पूजा भक्ति अर्चना की थी उसका परिणाम आज ही उनको उनके साथ सुविवाह करके मिला था। और आज का दिन जो है वो दोनों माता पार्वती के लिए और भोलेनाथ जी के लिए बहुत ही पावन है और निर्मल है। और आज जो है हमारे भक्त जो है माता पार्वती और शंकर जी दोनों के लिए व्रत रखते हैं, पूजन करते हैं और अपने अहवाद सुहाग की कामना के लिए भगवान से आराधना करते हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर कानपुर में शिव की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। यहां पर भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। महाशिवरात्रि के मौके पर मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। सुबह से ही मंदिर में भक्तों का तांता लगा है। श्रद्धालु भोले शंकर पर जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं। महाशिवरात्रि को लेकर यहां सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं। बाबा गरीबनाथ स्वयंभू हैं। कहा जाता है कि यहां पर एक पेड़ को काटने के दौरान शिवलिंग प्रकट हुआ था। यहां शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के बाद उस वृक्ष पर जल चढ़ाने की परंपरा है जिससे शिवलिंग प्रकट हुआ था। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मधुबनी के मंगरौनी गांव में एकादश रुद्र मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ जुट रही है। शिवलिंगों और उनकी स्थापना के तरीके की वजह से एक अद्भुत आध्यात्मिक केंद्र बन चुके इस मंदिर में पूजा अर्चना के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रसिद्ध तांत्रिक कमुनेश्वर झा ने एकादश रुद्र महादेव मंदिर की स्थापना की थी। यहाँ पर भगवान शिव शंकर 11 अलौकिक रूपों में हैं। यहाँ पर तांत्रिक विधि से शिव के 11 लिंग रूपों को स्थापित किया गया है। खासकर महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ अद्भुत छटा देखने को मिलती है। मान्यता है कि जो भक्त जिस कामना से यहाँ पर आते हैं उनकी मनोकामना एकादश रुद्र महादेव पूरी कर देते हैं।
पटना सिटी में टीवी टावर के पास पाइप गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे काफी देर तक मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। प्लास्टिक की पाइप की वजह से लपटें काफी तेज उठी। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। पटना के कोतवाली इलाके में स्थित एनपी सेंटर के पास भीषण आग लग गई। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। हालांकि अग्निशामन दस्ते ने समय रहते इस आग पर काबू पा लिया। मुजफ्फरपुर के बीजेपी विधायक सुरेश शर्मा के खिलाफ एक महिला ने थाने में मामला दर्ज कराया है। महिला का आरोप है कि विधायक ने डंडे से मारकर उसका सिर फोड़ दिया है। महिला के पति के मुताबिक संजय यादव नाम के शख्स ने उससे चुनाव में टिकट दिलाने के लिए 35 लाख रुपए ठग लिए थे। महिला और उसका पति पैसे वापस लेने के लिए बीजेपी विधायक से संजय यादव को फोन करने का दबाव बना रहे थे, लेकिन इस दौरान जब दोनों विधायक से गुहार लगाने पहुंचे तो विधायक ने झल्लाकर डंडा चला दिया। आज सुबह उनके घर पे दरवाजे पे गए चक्कर मैदान, तो उन्होंने निकला और डंडा ड्राइवर को बोले ले आओ डंडा, गार्ड को बोले ले आओ डंडा, खुद डंडा उठा के डंडा भाजने लगे। मेरे को पत्नी बचाने के दौड़ के आई, उसके सर पे मार के सर फाड़ दिए उसका। हालांकि विधायक सुरेश शर्मा ने इन आरोपों से इनकार किया है और आरोपों को साजिश करार दिया है। फोन कराने के लिए बार बार कह रहा था, हमने कहा कि तुम अपने फोन से लगाओ, हम अपने फोन से कौन आदमी है उसको पहचानते भी नहीं है, तो भाजपा का नेता है, हम कहे भाजपा का इंडिया में लाखों नेता है, हम जब जानते नहीं है तो उसको फोन करने का कोई औचित्य नहीं है, तुम लगाओ। तो कहा कि नहीं आप अपने फोन से लगाइए, मेरे सामने लगाइए। मैंने उसको इसी पर उसको कहा कि नहीं हम नहीं करेंगे, तुम यहाँ से भागो। वो आज आकर के मेरे घर के सामने हंगामा कर रहा था। 12 मार्च को पीएम मोदी बिहार आने वाले हैं। पीएम के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान पहुंचे और उनके साथ कई नेता हाजीपुर पहुंचे। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर पानघाट के चौरसिया भवन में एनडीए कार्यकर्ताओं ने एक बैठक का भी आयोजन किया। बैठक में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे, नित्यानंद राय सहित कई विधायक और पूर्व विधायक मौजूद रहे। बैठक में नेताओं ने तैयारी को लेकर कई दिशा निर्देश नेताओं ने दिए और इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे ने कहा कि ये कार्यक्रम सरकारी है लेकिन मंच एनडीए का होगा। इस कार्यक्रम को भले ही सरकारी कार्यक्रम हो लेकिन मंच पर सारे हमारे नेता रहने वाले, प्रधानमंत्री जी रहने वाले, रामविलास जी रहने वाले हैं, सभी माननीय मंत्रीगण रहने वाले हैं हमारे, इसलिए कार्यक्रम सरकारी होगा लेकिन मंच पूरा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं का होगा। हाजीपुर पहुंचे रामविलास पासवान ने बिहार में जल्द ही सरकार के गिर जाने की भविष्यवाणी की। तो लालू यादव का ही है, है ना, लड़के है और एक जगह एक और है तो उसे चंद्रनाम है, अब तीन को मंत्री है, अरे देख लाओ तो कुछ देख लाओ। लेकिन हम लोगों ने राबड़ी जी जब वहां से लागोपुर से थी मुख्य एमएलए और मुख्यमंत्री बनी तब नहीं कुछ बिहार या हाजीपुर का हो पाया, तब क्या होने वाला है। लेकिन हम आपको कहना चाहते हैं कि आप सब लोग मन बना करके रहिए, ये सरकार ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। सात डेढ़ साल के अंदर चुनाव होने वाला है, डेढ़ साल के अंदर में चुनाव होगा, एक म्यान में दो को तलवार आता है। और बिहार के वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी एक कार्यक्रम के दौरान सो गए। वो फुलवारी शरीफ में इमारत शरिया के एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग में शामिल हो रहे थे। बैठक में अब्दुल बारी सिद्दीकी के साथ अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री अब्दुल गफूर और सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष इरशादुल्ला भी मौजूद थे। कार्यक्रम में देश के अलग अलग हिस्सों से आए तमाम लोग भाग ले रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी कर रहे थे, लेकिन बैठक में ज्यादातर वक्त अब्दुल बारी सिद्दीकी नींद में ही नजर आए। जब जी मीडिया के कैमरे पर दूसरे मंत्री अब्दुल गफूर की नजर गई तो उन्होंने वित्त मंत्री को नींद से उठाया।
केंद्रीय जल एवं स्वच्छता मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा है कि बिहार में सरकारी अस्पतालों की हालत बेहद खराब है। शेखपुरा में एक निजी अस्पताल के उद्घाटन के मौके पर पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री और ये बात उन्होंने वहीं पर कही। उन्होंने कहा कि बिहार में सरकारी अस्पतालों में न दवा है न डॉक्टर। नीतीश बाबू लगातार 10 साल राज किए हैं, उनके शासन काल में बुरी स्थिति में हॉस्पिटल रही है। आम लोग को या तो निजी हॉस्पिटल में जाना पड़ता है या कोई अच्छे इलाज के लिए दिल्ली जाना पड़ता है, मुंबई जाना पड़ता है, बेंगलोर जाना पड़ता है, यहाँ कलकत्ता जाना पड़ता है। हेल्थ मिशन के दरमियान पर्याप्त राशि आवंटित की जाती है भारत सरकार के माध्यम से, मगर राज्य सरकार की अव्यवस्था होने की वजह से बहुत सारी कठिनाई है। पटना में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राम सुंदर दास की पुण्यतिथि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत बीजेपी नेता सीपी ठाकुर शामिल हुए। सभी लोगों ने राम सुंदर की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। रोहतास के बारून गांव में एक मकान का छज्जा गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक पुरुष और उसकी बेटी शामिल है, जबकि इस हादसे में 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों में 15 की हालत नाजुक है। घायलों में 10 लोगों को इलाज के लिए बिक्रमगंज के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि 5 लोगों को इलाज के लिए बनारस रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक गांव में मथुरा सिंह नाम के शख्स ने यहां पर बक्सर से बारात आई हुई थी। बारात देखने के लिए लोग एक मकान के छज्जे पर चढ़े हुए थे और इसी दौरान ये छज्जा गिर गया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। मधेपुरा में मिट्टी धंसने की वजह से 2 बच्चों की मौत हो गई। मिट्टी खोदने के दौरान यह हादसा हुआ और इस हादसे के बाद पूरे इलाके में सन्नाटा पसर गया। सदर थाना इलाके में यह दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे में एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसको इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मोतिहारी में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस और सीआरपीएफ टीम की संयुक्त कार्रवाई में नक्सली उपेंद्र राय गिरफ्त में आ गया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार उपेंद्र राय जोनल कमांडर विशाल जी का राइट हैंड है। उपेंद्र राय नए लोगों को नक्सली संगठन में शामिल करने का काम किया करता था, साथ ही नक्सली संगठन को हथियार पहुंचाने से लेकर नक्सलियों को शेल्टर मुहैया कराने का जिम्मा भी उपेंद्र राय के हाथों में था। पूछताछ में उपेंद्र राय ने मुजफ्फरपुर के साहिबगंज में कंस्ट्रक्शन कंपनी पर नक्सली हमले में अपनी भूमिका को स्वीकार किया है। पुलिस ने उपेंद्र राय के पास से हथियार और कारतूस सहित नक्सली साहित्य भी बरामद किया। रोहतास जिले में अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। रोहतास पुलिस ने डेहरी थाने के गोपी बीघा में करीब 40 अवैध क्रशर को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान कई स्टोन क्रशर में आग भी लगा दी गई। रोहतास जिले में प्रशासन की सख्ती के बाद भी अवैध क्रशर का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। पुलिस हर महीने कार्रवाई करती है, लेकिन कुछ दिन बाद माफिया फिर अपना साम्राज्य कायम कर लेते हैं। एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि ये कार्रवाई आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी। पश्चिम चंपारण के दियारा इलाके के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। गंडक नदी पर श्रीनगर थाना क्षेत्र के पटजिरवा में पीपा पुल का निर्माण कराया जा रहा है। इस पुल के बन जाने से इलाके के लोगों का जिला मुख्यालय से संपर्क जुड़ जाएगा। पीपा पुल के निर्माण से इलाके के लोग काफी खुश हैं। जो उनको में से 2 या 3 आदमी पार करे लोकिया बरतिया आपस चल गए से पार कर लो डेंगी से नाव से पार कर लो बाढ़ के चलते डेंगी से चलते उस सब पुल नाला पुल लो बना रे बरा पुल से सुविधा हो गेल अब तो बरात आवे जाए खातिर कोनो दिक्कत नहीं। कटिहार में मनियारी प्रखंड के नीमा गांव की महिलाएं समाज को नई दिशा दे रही हैं। 1 अप्रैल से बिहार सरकार के शराबबंदी के फैसले के पहले नीमा गांव की महिलाएं शराब बंद मशरूम शुरू का नारा बुलंद कर रही हैं।
संथाल जनजाति की महिलाओं ने गांव को पूरी तरह से शराब मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। इसी के तहत इन महिलाओं ने पहले गांव में शराब की भट्टियों को नष्ट किया और उसके बाद जीविका के लिए ये मशरूम की खेती कर रही हैं। ये महिलाएं लोगों को बता रही हैं कि शराब किस तरीके से जिंदगी खराब कर सकती है। हालांकि महिलाओं के सामने दिक्कत है कि उन्हें मशरूम की खेती की तकनीक की जानकारी नहीं है। इनकी मांग है कि सरकार इस काम में इनकी मदद करे। हालांकि जिला प्रशासन का कहना है कि वो महिलाओं को पूरी तरह से मदद मुहैया कराएंगे। अभी जो है कि पूरे गांव जो है नीमा तराफला में मशरूम का खेती शुरू हो गया है और दारू बंद हो गया है। अभी हम लोग बहुत खुश हैं, मतलब इसलिए कि दारू बंद हो गया, मशरूम का खेती हो रहा है। और मैं जी मीडिया से यही चाहते हैं कि उसके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक जन मतलब कान में ध्यान जाए और जो है कि मशरूम का खेती के लिए कुछ हम लोग को सहायता करें। शेखपुरा के बरबीघा में क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने पहुंचे शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। अशोक चौधरी एसकेआर कॉलेज मैदान में थे लेकिन बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह के प्रपौत्र ने शिक्षा मंत्री पर विरासत को भुलाने का आरोप लगाया। टूर्नामेंट स्थल के तोरण द्वार पर बरबीघा को महात्मा बुद्ध तपोभूमि बताया गया। दूसरी ओर शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने आरोपों से इनकार किया। उन्होंने खुद को श्री बाबू का सबसे बड़ा अनुयायी कहा। झारखंड के नगर विकास मंत्री सीपी सिंह हजारीबाग पहुंचे। सीपी सिंह ने हजारीबाग परिसदन भवन में मेयर, डिप्टी मेयर समेत तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक की। समीक्षा के बाद भी सीपी सिंह ने कई दिशा निर्देश देते हुए कहा कि सीएम के स्वच्छता मिशन में सबकी भागीदारी जरूरी है। पलामू के पडवा में अज्ञात अपराधियों ने व्यवसायी संघ के अध्यक्ष ददन मेहता की गोली मारकर हत्या कर दी। आक्रोशित लोगों ने 3 वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया। लोगों को काबू करने के लिए पहुंची पुलिस टीम पर भी लोगों ने पथराव किया। रांची के मार्बल कारोबारी राजू मंडल की हत्या के मामले को लेकर पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। रांची पुलिस ने खुलासा किया है कि अपराधियों ने व्यापारी की हत्या 4 मार्च को ही कर दी थी। चतरा के टंडवा से कारोबारी का शव बरामद किया गया। सोमवार की शाम पंडरा की फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित घर के पास से राजू का अपहरण हुआ था। अपहरणकर्ताओं ने फोन करके 1 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की थी। राजू की पंडरा में शिव शक्ति नाम से मार्बल की दुकान है। दुमका के दुधानी गांव के पास मोटरसाइकिल और पिकअप वैन में टक्कर हो गई जिसमें मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति की मौत हो गई जबकि गंभीर रूप से 1 व्यक्ति घायल हो गया है। घायल व्यक्ति का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने एक पिकअप वैन और एक मिनी बस को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो दुमका जामताड़ा मार्ग को लोगों ने जाम कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग को बुझाया गया। फिर लोगों के जाम को भी हटाया गया। बोकारो में महिला के साथ डायन प्रताड़ना का मामला सामने आया जहां पर आरोपों के मुताबिक ग्रामीणों ने पीड़ित महिला का सिर मुंडवाकर उसके साथ हैवानियत की। घटना बोकारो के कल्याणपुर थाने के धदक्की डी की है। आरोप है कि डायन बताकर महिला के साथ एक पुरुष की भी पिटाई की गई। इस मामले में तकरीबन 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। हालांकि पुलिस अभी तक किसी को पकड़ नहीं पाई है। लातेहार के चंदवा में युवक का सरकटा हुआ शव मिलने के बाद मामले में पुलिस ने कामयाबी हासिल कर ली है। स्वान दस्ते की मदद से पुलिस ने शव का सर थाने से महज 100 मीटर की दूरी से बरामद किया है जिसके जरिए मृतक की शनाख्त कर ली गई है। मृतक की पहचान मनोज कुमार नायक के तौर पर की गई है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी वीरान लोहरा को भी गिरफ्तार किया है जिसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस की माने तो आपसी रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया गया।
उसकी निशानदेही मनोज कुमार नायक के रूप में की गई, जिसके उसमें फिर दो लोग थे, एक अभियुक्त वीरेन लोहरा और उसका साथी रिंकू सिंह। इन दोनों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था और वीरेन लोहरा की निशानदेही पर हमने घटना में प्रयुक्त जो आरी है उसको जब्त कर लिया है और साथ ही जो चप्पल था और जो जिस गमछे में सर को बांध कर उसने छुपाया था वो भी हमने जब्त कर लिया। शनिवार को बहादुर बगीचा में एक शव बरामद किया गया था जिसका सर गायब था। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए पूरे मामले से पर्दा उठा दिया। हालांकि इस मामले में अभी तक एक आरोपी फरार है जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अब छापेमारी कर रही है। धनबाद पुलिस ने एक सेक्स रैकेट गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने दो नाबालिग सहित दो युवतियों को गिरफ्तार किया, साथ ही सेक्स रैकेट संचालिका रेखा सिंह को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। धनबाद पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर जानकारी मिली थी यहां पर सेक्स रैकेट संचालन किया जा रहा है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। सेक्स रैकेट के संचालक रेखा सिंह पहले से भी सेक्स रैकेट चलाने के मामले में गिरफ्तार हो चुकी है। महाशिवरात्रि के मौके पर खुफिया विभाग ने आतंकी हमले की आशंका जताते हुए अलर्ट जारी किया है। खतरे को देखते हुए गुजरात के सोमनाथ मंदिर में होने वाले सांस्कृतिक समारोह को स्थगित कर दिया गया। पुलिस जगह जगह तलाशी अभियान चला रही है।